नमस्कार प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। जिस बात की चर्चा थी कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या संजय झा को कोई कमान मिलने वाली है, क्या यहां से संजय झा का कद बढ़ाया जाएगा, तब ये कहा जा रहा है कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। जिस खबर की चर्चा लगातार बिहार तक आपसे कर रहा था, जो सुबह से हम आपको बता रहे थे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो दिल्ली में बैठक हो रही है, उस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज है और ये कहा जा रहा था कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष नीतीश कुमार बना सकते हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बना दिया गया है। दरअसल नीतीश कुमार ने भी अपना संबोधन दिया है, जिसमें कई बातों को लेकर उन्होंने चर्चा की। सबसे बड़ी बात ये कि 2024 में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक मॉडल भी तैयार किया है कि उस मॉडल के तहत वो बूथ प्रमुख कैसे अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और उम्मीदवारों के साथ कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ ही जो बड़ी बात है, पेपर लीक के मामले में भी इसमें एक प्रस्ताव लाया गया है, उसे लेकर चिंता जताई गई है। साथ ही जो रिजर्वेशन की बात थी, जिसे हाईकोर्ट ने हटाया है, उसको लेकर भी चर्चा की गई है और ये कहा जा रहा है कि ये फिर से उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। और साथ ही विशेष राज्य या विशेष पैकेज की जो बात है, वो जेडीयू की प्रमुख मांग है कि जेडीयू अब इसकी मांग करेगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या विशेष पैकेज दिया जाए। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि संजय झा जो राज्यसभा के सांसद हैं, पिछले 12 साल से वो जेडीयू के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ उनकी नज़दीकी आपने हमेशा देखी होगी, लेकिन अब संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी है। नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी तब जब आने वाले साल में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। राज्यसभा में फिलहाल सांसद हैं संजय झा, और संजय झा को अब पार्टी संबंधित तमाम जो फैसले हैं वो नीतीश कुमार के साथ लेने हैं। दरअसल नीतीश कुमार के साथ अब वो पार्टी से जुड़े हुए तमाम कार्य भी देखेंगे। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू का बना दिया गया है। बिहार तक लगातार आपको हर एक खबर की अपडेट दे रहा है। देश दुनिया के साथ साथ बिहार की प्रमुख खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।